पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। टीपीसी हम लोग को एक साल से शोषण कर रहा है। पहले क्या हुआ, एनटीपीसी बोला कि 5 टन तक का गाड़ी जो ओवरलोड होगी उसको जाने दिया जाएगा, फिर बीच में हो गया 3 टन तक का। एनटीपीसी से निकलने वाली फ्लाई ऐश की धुलाई दनियावा स्थित अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में करने वाली सीमेंट बलकर ट्रक ड्राइवरों ने एनटीपीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी के द्वारा 14 चक्का वाले वाहन में 4 मिनट और 18 या 20 चक्का वाले वाहन में 7 मिनट के समय में जितना फ्लाई ऐश लोड होता है उतना लेकर जाना होता है, जिसके कारण कभी ओवरलोडिंग तो कभी कई टन कम फ्लाई ऐश लोडिंग होता है, जिससे ओवरलोडिंग वाहन को डीटीओ से पकड़ाने का डर बना रहता है। धर्मकांटा के पास न तो ओवरलोडिंग काम कर सकता है और न कम लोडिंग वाहन को ले जाकर दोबारा फ्लाई ऐश लोडिंग भी नहीं करवा सकते हैं। एनटीपीसी से कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता। अपनी मांग को लेकर ड्राइवरों ने धरना दिया, गाड़ियों को एनटीपीसी के पास खड़ा कर दिया, लेकिन ऐसी में बैठक आला अधिकारियों के कानों में जू तक न रेंगी। लेकिन ड्राइवरों ने मांग की कि बिना निर्धारित समय के सीमेंट भरकर ट्रक लोडिंग हो, और ड्राइवरों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एनटीपीसी के फ्लाई ऐश के अधिकारी के द्वारा वाहन और ड्राइवर को ब्लैकलिस्टेड करने की धमकी दी जाती है और इसी अधिकारी के द्वारा डीटीओ से परेशान करवाया जाता है। इस संदर्भ में जब एनटीपीसी के अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो अधिकारी ने पलराज झाड़ दिया और बताया कि हम फ्लाई ऐश का अन्य काम देखते हैं, लेकिन लोडिंग से हमें कोई वास्ता नहीं है। एनटीपीसी हम लोग को एक साल से शोषण कर रहा है। पहले क्या हुआ, एनटीपीसी बोला कि 5 टन तक का गाड़ी जो ओवरलोड होगी उसको जाने दिया जाएगा, फिर बीच में हो गया 3 टन तक का। उसके बाद फिर हो गया कि भैया किसी का 100 किलो भी अगर फालतू रहता है तो गाड़ियां नहीं छूटेगी। उसके बाद हो गया कि 4 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट ऐसे करके, और उसमें क्या है कि कोई भी गाड़ियां में माल बराबर अच्छा, ये गाड़ी के हिसाब से 4 मिनट 7 मिनट है या फिर कैसे? नहीं, गाड़ी के हिसाब से है। मतलब बड़ी गाड़ी अगर है तो कितना? बड़ी गाड़ी है जैसे 22 चक्का और 18 चक्का को 8 मिनट दिए हैं, 7 मिनट तो 7 मिनट में गाड़िया का माल पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, उसमें कितना एयर आता है? अगर 7 मिनट का अगर टाइम दिया जाए तो कितना एयर उसमें आता है? उसका कोई लिमिट नहीं है, 5 टन गिरेगा, 5 टन माल भी गिर सकता है। ऐसा बराबर उसमें रेशियो बराबर नहीं है, कभी माल स्पीड में आ रहा है, कभी धीमा आ रहा है, और चारों तरफ से मतलब कि यहाँ ड्राइवर को ही परेशानी है। मतलब कि अंडरवेट भी कभी कभी हो जाता है? कभी कभी अंडरवेट भी हो जाता है। जो अंडरवेट हो गया वो ड्राइवर साहब बहुत खुश है, अपना मुस्कुराते हुए निकल गए, भैया हमारा तो अंडरलोड है, हम तो जा रहे हैं। और जिसका ओवरलोड हो गया अपना 4 दिन 5 दिन, अब तो ऐसा हो गया कि अगर 1 kg भी फालतू हुआ तो छूटेगा नहीं। अगर इधर हम लोग माल खाली करते हैं तो सीआईएसएफ वाला डंडा चलाता है, इधर खाली करते हैं तो पब्लिक डंडा मारती है, ओवरलोड ड्राइवर कहाँ जाएगा? तो ओवरलोडिंग के कारण तो रास्ते में परेशानी होती होगी। ओवरलोड के परेशानी तो है, हर जगह से परेशानी तो ड्राइवर को ही है, और पूरे बिहार में मतलब कि चाहे कहीं भी चल जाइए पावर प्लांट में ऐसा सिस्टम नहीं है। गाड़ी आप लोग को क्या मांगे, क्या करेंगे आप लोग आगे? हम लोग को मांग है, अगर एनटीपीसी हम लोग को अंडर लोड बोला है तो हम लोग को अंडर लोड ही चाहिए, उससे 1 kg फालतू नहीं चाहिए, बल्कि 500 kg वो कम दे। लेकिन हम लोग का जो वहाँ कोई उपकरण ऐसा है वहाँ वो लगा दें, उसके बाद हम लोग को लोडिंग दे, नहीं तो गाड़ी बंद रहेगी। बाढ़ से रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट।